होपफुली अभी चल रहा होगा प्रॉपर, और आप लोगों को साउंड भी क्लियर आ रही होगी, है ना? तो स्टार्ट करें बिल्कुल. गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न. डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे, आपका ये सीटेट पेपर वन के लिए ईवीएस. और आज पिक्चर्स की आप लोगों ने डिमांड की थी, तो बहुत सारी पिक्चर्स को यूज किया है, और बीच बीच में क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. जैसे कर्णम मालेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में मान लो क्वेश्चंस पूछे गए, तो एक दो क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. फिर मधुबनी पेंटिंग पर आएंगे, फिर समझेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में, उससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन देखेंगे जैसे पेपर में पूछा जाता है. देन वील मूव टू अदर टॉपिक्स, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर पिक्चर्स के साथ, मैप का भी इस्तेमाल करेंगे. तो आज वाला जो सेशन रहेगा, ये जो ईवीएस के सेशन रहेंगे, ये छोटी छोटी डोज की तरह हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी सुन के देख के. बिल्कुल इस तरीके से डिस्कस भी किया जाएगा कि पिक्चर्स को कोरिलेट कराया जाए साइकोलॉजिकल वे में, तो आप लोगों की जो ये डिमांड है वो पूरी होगी. स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन, और ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर हो तो एक बार कॉमेंट करके बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. एक मिनट दीजिए बस. बहुत बढ़िया, आज सेशन लेट है. हाँ थोड़ा सा कल से लाएंगे टाइम पर इसको. बहुत ही बढ़िया. हाँ सही है. हाँ कोरोना तो परेशान करके रखा हुआ है सभी को, कोई बात नहीं. आई एम वेरी हैप्पी टुडे. बहुत बढ़िया, खुश रहिए. वैसे भी आज हो कल हो कोई भी समय हो, खुश रहिए. एक मिनट रुकिएगा, बस पेन का इस्तेमाल कर लिया जाए. हाँ स्टार्ट करते हैं. ये आपकी श्रद्धा है, लाइक शेयर आप जितना चाहें कर सकते हैं, है ना? आई विल नॉट माइंड. तो ये एक बात हुई. तबीयत थोड़ी सी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, बट काम करने लायक है. ठीक, तो कर्णम मालेश्वरी के बारे में जानेंगे. कर्णम मालेश्वरी से क्वेश्चन पूछा गया है, और कैसे पूछा गया है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक, कर्णम मालेश्वरी है ना, कर्णम मालेश्वरी, कर्णम भी लिख देते होंगे हिंदी में, नहीं पता. ठीक, तो कर्णम मालेश्वरी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से, आंध्र प्रदेश से हैं. इनके बारे में 7 लाइन है, बस ये आपको पता होनी चाहिए. तो ये आंध्र प्रदेश से हैं कर्णम मालेश्वरी. दूसरा क्या है, इनका काम क्या है, जॉब क्या है, वेट लिफ्टर हैं, यानी कि वो भार उत्तोलक जो बोलते हैं हम हिंदी में वो हैं. ठीक, दूसरा कितने किलोग्राम तक का वेट भाई पुट ऑन कर लेती हैं, अगर हमें बात करूं, सॉरी पुट ऑन नहीं, कितना कितना लिफ्ट कितना कर लेती हैं. ठीक, तो 130 किलोग्राम तक ये लिफ्ट कर लेती हैं, मतलब 130 केजी तक उठा सकती हैं वेट. ठीक, जो इनकी कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग में. इनके फादर क्या है, एक पुलिस कांस्टेबल हैं. इनकी जो बाकी 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग को प्रैक्टिस करती हैं. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 12 साल की उम्र से ये वेट लिफ्टिंग यानी कि जो इनका भार उत्तोलन है इसमें आ गई थी, भार उत्तोलन कह लीजिए या वेट लिफ्टिंग कर रही हैं. कब से, 12 साल की उम्र से. 29 मेडल जो है इंटरनेशनल मेडल्स इन्होंने, 29 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं अगर मैं बात करूं वेट लिफ्टिंग की. ठीक, तो इनकी जो 4 सिस्टर्स हैं वो भी वेट लिफ्टिंग करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग को. तो इनके बारे में ये कुछ 4, 5, 6, 7 बातें हो गई, फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ कि कर्णम मलेश्वरी क्या हैं, एक भारोत्तोलक या वेट लिफ्टर हैं. 12 साल की उम्र से इन्होंने शुरू कर दिया था वेट लिफ्टिंग. इसके अलावा इनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल हैं, आंध्र प्रदेश से हैं. आंध्र प्रदेश मैप में कहाँ आता है आपको अभी दिखाएंगे. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 29 मेडल इन्होंने, 29 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं वेट लिफ्टिंग में, और 130 किलोग्राम तक की कैटेगरी में ये हैं. ठीक है बात, तो ये बात आपकी क्लियर हुई होगी. और इनकी जो 4 बहनें हैं यानी 4 सिस्टर्स जो हैं इनकी, वो भी प्रैक्टिस करती हैं वेट लिफ्टिंग. ठीक, बिल्कुल देख सकते हो आप इसको जहां पर भी ईवीएस की बात हो. तो ये बेसिक बात हुई. अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जहां आपको ये पहचानना है. क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्णम मलेश्वरी. कर्णम मलेश्वरी के बारे में आपको देखना है कि कौन सा पॉइंट सही है. ठीक है, पहला है शी इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, मतलब भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल की क्या है, वेट लिफ्टर है. बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा था 29 मेडल भी हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल के, तो ये बात तो ठीक है. फिर है शी इज फ्रॉम कर्नाटका. अरे सर ये तो गड़बड़ हो गई, हम अभी पढ़ रहे थे आंध्र प्रदेश से हैं. ठीक है, यानी ये कर्नाटका से नहीं है, आंध्र प्रदेश से हैं. शी हैज मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट्स अप टू 130 केजी, मतलब 130 केजी यानी 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है. बात तो ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया था, दिमाग में बैठ जाएगा, भूलने नहीं दूंगी ईवीएस. ठीक, फिर है शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल से शुरू कर दिया था ये, अभी हम पढ़ रहे थे. और 12 साल क्या है, किशोरावस्था की शुरुआत है. 12 से 18 हम समझते ही हैं, कहां, सीडीपी में.
ठीक है बात, तो तीनों ही बातें ठीक हैं, लेकिन गलत कौन सी है? गलत बात है यहाँ पर कर्नाटका से नहीं है, ये तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि कहाँ से हैं अभी हमने समझा था, अगर आपको याद हो आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक, तो अभी ये बेसिक बात हो गई, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। अभी हमने देखा था क्या कि ये आंध्र प्रदेश से हैं, आंध्र प्रदेश को मैप पर देख लेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो, वैसे अभी हम अलग से थोड़ा सा स्टडी करेंगे मैप को, है ना। आंध्र प्रदेश को अगर हम देखना चाहें तो यहां हम देख सकते हैं भाई सदर्न इंडिया में, इधर ईस्ट में है। ठीक, तो ये एक बात हुई, सिंपल बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आंध्र प्रदेश यहाँ है। ठीक, बाकी आसपास की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तमिलनाडु ये सब देखेंगे जब इसके कॉन्टेक्स्ट में बात होगी, लेकिन ये आपको बेसिकली मैप का पता हो कि मैप में कौन सा स्टेट कहाँ है एटलीस्ट, ताकि आप अटके ना पेपर में। मैप से 4-5 क्वेश्चन भी बन जाते हैं डायरेक्ट आपके सीटेट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पॉइंट पर, अब आते हैं मधुबनी पेंटिंग पर। मधुबनी पेंटिंग पर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, और मधुबनी पेंटिंग क्या करती है या क्या इसकी विशेषताएं हैं उनको समझते हैं। अगर मैं बात करूं मधुबनी पेंटिंग की, तो मधुबनी क्या है, एक जगह है बिहार में, और वहां से कई लोग देख भी रहे होंगे शायद। तो मधुबनी पेंटिंग क्या है, ये जो पिक्चर में पेंटिंग नजर आ रही है आपको, ये एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी होगी तो पता होगा कि इस तरीके की होती है मधुबनी पेंटिंग, शायद आपने देखी भी होंगे कहीं कहीं पर। ठीक, तो ये एक बात हुई, जो पिक्चर है मधुबनी पेंटिंग है, मतलब एक फॉर्म है फोक आर्ट की, लोक कला की एक फॉर्म है, एक प्रकार है लोक कला का, जिसको हम मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। ये पेपर वन के लिए ही है सीटेट। डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड मधुबनी, मधुबनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जिसका नाम है मधुबनी, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो मधुबनी से जो लोग देख रहे हो वो कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है बिहार का मधुबनी, जिसके नाम पर ये नाम पड़ा हुआ है आपका मधुबनी पेंटिंग्स, क्योंकि वहां ये बनाई जाती हैं। ठीक है, चावल के आटे से, बिल्कुल सही बात है आयशा अहमद, है ना। अब ये बनाई कैसे जाती है उसको हम देखेंगे, और इसमें होता क्या क्या है वो समझेंगे। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस, चावल के आटे से यानी पाउडर से चावल के ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। इन विच कलर हैज बीन मिक्स्ड, जिसमें हम कलर मिक्स्ड करते हैं, मतलब कि रंग को मिलाया जाता है चावल के आटे में। अब वो रंग कैसे कैसे तैयार किया जाएगा, तो जो अलग अलग रंग हैं, जैसे इंडिगो, नील, आप समझते होंगे गांधी जी के टाइम पे भी आपने कुछ कुछ सुना होगा, मतलब नील की खेती वगैरह, तो कलर देने के लिए नील का इस्तेमाल कर रहे हैं हम पाउडर्ड राइस में मिलाने के लिए। टर्मरिक यानी हल्दी का भाई हम कलर रंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल कलर्स का हम यूज कर रहे हैं यहाँ। इसके अलावा अगर कलर्स की हम बात करें, बाकी जो फ्लावर्स और ट्रीज हैं, जो फूल और ट्रीज मतलब पेड़ हैं, उनके कलर्स का, नेचुरल कलर्स का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है बात। तो ये बेसिकली पाउडर्ड राइस यानी आटे से किसके, चावल के, उसमें नेचुरल कलर मिलाए जाएंगे, चाहे वो फूलों से लिए गए हों, चाहे वो ट्रीज से लिए गए हों, चाहे वो बाकी तरीकों से लिए गए हों, जैसे नील जो इंडिगो है उसको मिक्स किया जाएगा नीले कलर के लिए, हल्दी को मिक्स किया जाएगा पीले कलर के लिए, बाकी बहुत सारे फूलों के अलग अलग रंग होते हैं उनको मिक्स किया जाएगा। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेंटिंग्स में होता क्या है। हमने अभी एक छोटा छोटी सी क्लिप देखी थी, अभी आगे और देखेंगे पेंटिंग्स में दिखाया क्या जाता है, बेसिकली ये किस प्रकार की पेंटिंग है, अलग कैसे हैं बाकियों से, बफरिंग क्यों है इतनी, बाकी की पेंटिंग्स से अलग कैसे हैं, क्या विशेषता है इस पेंटिंग की, दिखने में कैसे अलग होगी, इसमें किस चीज को हम दिखाते हैं। तो दिखाएंगे किसको, ह्यूमन बींग्स को भाई, इंसानों को दिखाया जाएगा, कुछ भी देखते हो आप, ये कुछ नाचते हुए गाते हुए कुछ करते हुए। ठीक, एनिमल्स को दिखाया जाएगा, अब एनिमल बनाना तो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ड्राइंग अगर मेरी अच्छी होती तो पता नहीं मैं क्या करती आज। ठीक है, तो एनिमल को बना देंगे, ठीक है, ट्रीज को बना देंगे, और इसके बाद फ्लावर्स को, फ्लावर्स दिख सकते हैं आपको इसमें, बर्ड्स दिख सकती हैं, फिश दिख सकती हैं, और मैनी अदर एनिमल्स। तो कुल मिला के बात यह है कि जो एनिमल्स हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग मधुबनी से हैं, बिहार वाले बिल्कुल एकदम समा बना के रखते हैं यहाँ पे डेली। ठीक, वैसे आप देश भर से देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स को दिखाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें इंसान भी दिखाए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे जो पशु हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, चाहे वो ट्रीज हो गए, चाहे वो फ्लावर्स हो गए, फिश है, ये सारे एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं एक मधुबनी पेंटिंग, और जिससे क्लियर हो जाए, तो ये आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को दिखाया जा रहा है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है ताकि याद भी रहे। ह्यूमंस को दिखाया जाएगा यानी मानव दिखाए जाएंगे, ट्रीज आपके सामने हैं भाई, पेड़ को भी दिखा सकते हैं, फ्लावर्स को भी दिखा सकते हैं, फूल पत्ती ये कह सकते हो, है ना, बर्ड्स भी दिखाई जा सकती हैं, ठीक, और भी अदर एनिमल्स को शो किया जा सकता है। तो इतनी सारी चीजें जो मधुबनी पेंटिंग्स में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं।
तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर होगी, बिल्कुल हरियाणा वाले भी हैं, सभी हैं आप देश भर से, ठीक है। बहुत बढ़िया, राकेश कह रहे हैं राकेश फ्रॉम बिहार, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। मोहित कह रहे हैं 102 से पास किया सीटेट, बहुत बढ़िया, इस बार 120 का टारगेट रखिए, है ना, क्लियर है बात यहां तक की। तो क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की इसमें, ह्यूमंस हो सकते हैं, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, एनिमल्स, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है, भारत की क्या है, एक लोक कला की फॉर्म है, यानी फोक आर्ट की फॉर्म है एक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक पाथ पर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन करेंगे बेसिकली, एक नहीं, मधुबनी पेंटिंग से क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग मधुबनी पेंटिंग्स द आर्टिस्ट यूज, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए जो चित्रकार हैं या कलाकार हैं वो किन चीजों का उपयोग करते हैं, यानी किस चीज से ये बनाई जाती है। पहला है आपका स्पेशली मेड पोस्टर कलर्स, भाई पोस्टल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम पोस्टर कलर्स का यूज करते हैं। दूसरा है फाइबर पेंट्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, फाइबर पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। पेंट्स मेड बाय डिसॉल्विंग सिल्वर एंड गोल्ड, भाई चांदी और सोना को मिला मिला के पेंट बनाए जाते हैं। देखिए बिल्कुल नेचुरल चीजों की तरफ हम जाएंगे, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है, चाहे वो फ्लावर्स से लिए गए हों, चाहे वो हमारी जो खेती होती है, मतलब चाहे वो नील की खेती हो, हल्दी हो, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बेस है इसका, जो क्रक्स है, वो किससे तैयार होगा, पाउडर्ड राइस से, यानी चावल के पेस्ट से, ये कह सकते हैं पीसे हुए चावल में मिलाएंगे बाकी रंगों को, और फिर बनेगी मधुबनी पेंटिंग, जिसमें इंसानों को दिखाएंगे, जिसमें पशुओं को दिखाएंगे, जिसमें पेड़ों को दिखाएंगे, जिसमें पत्तियों को दिखाएंगे, ठीक है बात। लाइक कर देना इसी बात पे अगर सेशन पसंद आए तो, ठीक है, ना पसंद आए बिल्कुल मत करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बढ़िया क्वेश्चन जिसमें लगेगा दिमाग, ठीक है, देखना कितने लोगों का ठीक होता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं देख पाती हूँ कमेंट, सारे रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे कमेंट देखती हूँ, बहुत बढ़िया। सुभाष जी बताइए एक बार, आंसर कीजिए। देखिए क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट, पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, और सीटेट में तो स्पेशली लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स बन जाती है कई बार, या होती नहीं है उतनी क्योंकि हम ध्यान से नहीं देखते, बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कई बार यहां पे एक्सेप्ट लिख देगा, नॉट करेक्ट पूछ लेगा, फॉल्स भी पूछ सकता है, तो हमें करेक्ट चूज करने हैं, इन चार में से करेक्ट बातें कौन कौन सी हैं। पहला है, टू मेक दीज पेंटिंग्स इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एटसेट्रा आर यूज्ड, यही तो हमें एक दिन से गा रहे हैं कि भैया इसमें हल्दी का, टर्मरिक जिसको हम कह रहे हैं, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इंडिगो, नील की, फ्लावर्स के कलर की, ट्रीज के कलर की, इन सब का यूज किया जाता है, बिल्कुल नेचुरल कलर्स का, ठीक है बात। फिर है, द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बीइंग्स, भाई इंसान दिखाए जाते हैं, पशु दिखाए जाते हैं, ट्रीज, पेड़ पौधे, इन सब चीजों को दिखाया जाता है, फिश को दिखाया जाएगा, बर्ड्स को दिखाया जाएगा, बात तो ठीक है ये भी। फिर है तीसरी, इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट एंड इज नेम्ड आफ्टर द प्लेस मधुबनी, बिल्कुल 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 हमने डिस्कस किया, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है। और एक और चीज क्या है, एक फोक आर्ट की यानी लोक कला का एक फॉर्म है, एक प्रकार है, बिल्कुल ठीक बात है। मधुबनी इज अ वेल नोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अब ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब आप कहो कि नहीं मैं तो बहुत साधु हूं और दूसरे साइड में आप कुछ और करके दिखा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे बिहार होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है, बाकी तीनों सही है और करेक्ट पूछा है हमसे। तो 1, 2, 3 जिसमें दिख जाएंगे उसी के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सिंपल है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, हाँ बीईओ के चांसेस हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसको कई लोग यूके कह देते हैं, है ना, तो उत्तराखंड क्या है बेसिकली, उत्तराखंड में कैसी फ्लावर वैली पाई जाएगी, मतलब फूलों का जो भी वैली को जो भी कहते हो हिंदी में, ठीक है, फ्लावर वैली पाई जाएगी कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है, तो ये कह सकते हैं। वो मूवी तो आई थी कौन सी, जब मैं ऐसे डीएलएड में थी, बहुत सारी मूवीज देखी हम लोगों ने, मतलब होता है कॉलेज में मजे करते हैं सब, ठीक, तो फ्लावर वैली एक मूवी आई थी, हमारी अधूरी कहानी, वो पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, इमरान हाशमी, हाँ, तो उसमें वो पूरा दिखाया है कि वो वहां पे बम बम फूट जाता है, वहां जाता है उत्तराखंड में, तो वहां पे बहुत सारी क्या है, फूलों का बहुत सुंदर बगीचा कह लो या वैली कह लो, एक प्रॉपर घाटी कह सकते हैं, ठीक है, हाँ फूलों की घाटी, बहुत बढ़िया, ठीक, तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। कुल मिला के बात ये याद रखनी है, चाहे कितनी भी एक्स्ट्रा चीजें जोड़ो इसमें, कहानी बनाओ, बट मेन पॉइंट याद रहना चाहिए, ठीक है, तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद। ये देखो, ये देखो, बाकी सबका ध्यान है, पेपर का ध्यान कर लो।
एक मैरीगोल्ड्स मतलब गेंदे का जो फूल है, जीनिया भी एक प्रकार का एक एक प्रजाति है मैरीगोल्ड की, ये कह सकते हैं लगभग जुड़ा हुआ थोड़ा सा। मतलब फूलों को कौन से, स्पेशली कौन से फूलों को, कौन से प्रकार के फूलों को गेंदा है। भाई इंटरनेट तो लंका लगा के रखता, कैसी कैसी समस्याएं हैं जीवन में। हाँ होपफुली अभी चल गया होगा, है ना, कई बार इंटरनेट जो है वो परेशान कर ही देता है, ये सॉफ्टवेयर का इशू हो जाता है। हाँ अभी क्लियर है, बहुत बढ़िया, चलिए इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता आज के लिए। तो गेंदा जैसे फूलों को, जीनिया या और इस प्रकार के जो फूल हैं उनको, जो क्लोथ्स हैं आपके जिनको डाय करा लेते हैं, कई बार दूसरे रंग का बनवा लेते हैं, है ना, जैसे सफेद पैंट ली थी काली करा ली, तो उन सब में इस्तेमाल किया जाता है ये जो रंग है फूलों का, जिसको डाय करने के लिए, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, जीनिया हो गया, या बाकी इस तरह के फ्लावर्स जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है डाय कराने में कपड़ों को। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई, होपफुली इतनी क्लियर हुई होगी। बिल्कुल रहीम, नमस्कार है आपको। द कन्नौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर इत्र मेकिंग। इसमें बड़ा इंटरेस्ट होगा कई लोगों को, है ना, इत्र या परफ्यूम कह सकते हो आप। ठीक है, ऐसे पुरानी मूवीज में या ऐसे बहुत ज्यादा वो देखा होगा कहीं ऐड, ऐसे लगा लगा के सूंघते हैं लोग। ठीक है, तो ये इत्र है, तो इत्र का इस्तेमाल किया जाता है, या कह सकते हैं जो इत्र के लिए फेमस प्लेस है वो है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। कन्नौज शायद आपने सुना भी होगा, कहाँ है, यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक, किसके लिए फेमस है, परफ्यूम के लिए फेमस है, केवड़ा के लिए फेमस है, और ऐसी ही एक दो चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, बात तो यहां तक की बात आपकी क्लियर हुई होगी। ये अटक के क्यों चल रहा है इतना। हाँ यहां तक की बात क्लियर हुई होगी। गुलाब जल के लिए फेमस है, बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी कहा अपने लिए ताली बजा लीजिएगा, है ना, गुलाब जल हुआ, इसके अलावा इत्र हुआ, या इसके अलावा केवड़ा हुआ, इन सब चीजों के लिए फेमस है क्या। शांत कह रहे मेरे पापा बहुत परफ्यूम लगाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक बेसिक बात हुई, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ये आपके डीओ के लिए फेमस है, इन शॉर्ट याद रख लेना, डीओ के लिए नहीं है, इत्र के लिए है, परफ्यूम के लिए है। ठीक, और पता नहीं कितने ऐड आते हैं सुबह शाम तक टीवी में, और हर कोई हमें ये रियलाइज कराने में लगा हुआ है कि जैसे तुम नेचुरल हो वो ठीक नहीं है, कुछ लगाओ एक्स्ट्रा तब जाके ठीक बनोगे। ठीक, तो ये एक बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ। तीन चीजें याद रखेंगे हम बेसिकली, इत्र यानी कि परफ्यूम के लिए फेमस है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यूपी की, गुलाब जल के लिए फेमस है, इसमें तो इंटरेस्ट होगा बहुत सारे लोगों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरी चीज, केवड़ा, वो शायद खीर वीर में डालते हैं, देखा होगा कभी, इन सब चीजों के लिए फेमस है। ठीक है बात, हेलो आरू बेस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, स्टेट ऑन मैप, केरला एंड महाराष्ट्र को मैप पे भारत के मानचित्र पर दर्शाना है, और बेलवेनिका विलेज याद रखिएगा नाम, बेलवेनिका विलेज जो है वो कहाँ है, कर्नाटका में है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक कहाँ है, यही साउदर्न जो दक्षिणी भारत है यहाँ, तो ये है कर्नाटका आपका, कर्नाटक जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ कर्नाटक, बाकी महाराष्ट्र को हमसे मैप पे दर्शाने के लिए कह रहा है, तो आप जानते हैं ये जो नीचे दक्षिणी भारत है वहां पर आपका महाराष्ट्र है, मुंबई जहां पर है ही, और ये कहाँ है, समुद्र के तट पर है ये कह सकते हैं, तो महाराष्ट्र आपका ये हो गया। मैप पर ही आपको पता होनी चाहिए कि आसपास हैं कौन से, महाराष्ट्र के बराबर में कौन सा है, यहाँ पे गोवा हो गया, फिर कर्नाटका है नीचे, और नीचे जाओगे केरला आएगा। ठीक, तो केरला ये हुआ, केरल, हाँ ठीक, ये हुआ केरल, महाराष्ट्र ऊपर है, बीच में कर्नाटका है, तो इस तरीके की चीजें आपको पता हो, उसके बीच में गोवा है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। ठीक है, मतलब कि मुंबई या महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे कौन है, गोवा पता है आपको, फिर कर्नाटका है, फिर आपको केरला का पता है इधर, फिर तमिलनाडु है केरला की जड़ में बिल्कुल, फिर इसके अलावा हैदराबाद या आंध्र प्रदेश है उसके ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ईस्ट में कौन सा है, थोड़ा सा वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कितना किसके कौन सा ऊपर है, बेसिक आइडिया आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया रहीम शेख, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बाकी बार बार मैं इंडिया का मैप आप लोगों के बीच में लाती रहूंगी, ताकि आपको कौन सा स्टेट, एक एक प्रिंट आउट लेके रूम में लगा लो, अपने आप ही रोज देखोगे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है,
कोमल करें, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगते हैं, रोज नहाने वाले लोग वीडियो लगा सकते हैं, परफ्यूम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हाँ सही है। वैसे इस पे स्टोरीज हैं, मैं बाद में कभी डिस्कस करूंगी, है ना। नेक्स्ट है गीजूभाई बड़ेका लिव्ड इन गुजरात। गीजूभाई बड़ेका आपको पता होने चाहिए, एज अ टीचर जरूर पता होने चाहिए, स्टोरीज बहुत ज्यादा सुनाते थे बच्चों को और बच्चों को पसंद भी बहुत ज्यादा थे, ठीक है। तो गीजूभाई बड़ेका ने एक बुक लिखी है दिवा स्वप्न, जो कि एक इंपॉर्टेंट सी बुक हो जाती है, और बहुत अच्छी स्टोरी सुनाया करते थे बच्चों को, और मतलब इन्होंने काफी काफी काम किया है जो आपके छोटे बच्चों की जो एजुकेशन है उस पर, ठीक। तो ये एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए। मैथ्स के कुछ सेशन लगवाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, धन्यवाद सोनू। ये तो मुझे लग रहा है जीने ना देगा इंटरनेट आज। देखो एक बार चल रहा होगा तो, दुखी करके रखा हुआ है इस इंटरनेट ने, पता नहीं क्या चाहता है भाई, बिल भी टाइम पे भरते हैं फिर भी ये हालत है ना। गीजू भाई बैठेगा बिल्कुल, हाँ सीडेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बात। नहीं संस्कृत मुझे उतनी नहीं आती कि मैं पढ़ा पाऊँ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, मजाक की बात एक तरफ है, बहुत सारा डेटा है याद रखने को, तो समझो इसको। इंडियन रॉबिन क्या है, एक पक्षी है इंडियन रॉबिन, ठीक। इंडियन रॉबिन एक पक्षी है जो अपने अंडे कहाँ देगा, किसके बीच में, स्टोन्स यानी पत्थर, रोड साइड जो है मतलब रोड के किनारे पे, ये रहा रोड और ये रहा किनारा, यहाँ कुछ पत्थर होंगे, वहां इंडियन रॉबिन अपने एग्स ले करेगा, ये आप जान सकते हैं। इंडियन रॉबिन एक पक्षी है, ये आप देख पा रहे होंगे भाई। इंडियन रॉबिन, अब इसकी स्टोरी बनाओ दिमाग में, देखो कैसे बनाते हैं स्टोरी, ठीक है। इंडियन रॉबिन है ये, मिस्टर रॉबिन हो गए, ठीक है। अब मिस्टर रॉबिन एग्स ले करते हैं कहाँ, ठीक है, ये एग्स हो गए मिस्टर रॉबिन के, और ये कहाँ पे एग्स ले करते हैं, तो रोड के साइड में, ठीक। तो ये हुए रॉबिन, ये हुए अंडे, और कहाँ पे जाकर के देंगे, रोड के साइड में पत्थरों के बीच में, ठीक है कहानी। तो यहां तक की बात आपकी क्लियर हुई होगी और ये चीज आपको याद रहेगी, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडियन रॉबिन जो अंडे देगा वो रोड के साइड में पत्थरों के बीच में देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, ये पिक्चर भी अगर दिमाग में रखोगे तो याद रहेगा, ठीक बात, याद हो गया, बहुत बढ़िया आरती, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, इंडियन रॉबिन एग्स ले करेगा रोड साइड में पत्थरों के बीच में, रोड पे पत्थर होंगे ही, ऐसा तो आप मान ही सकते हो, ठीक है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोयल के बारे में, कोयल बहुत ही चालाक पक्षी होता है ऐसा हमने सुना ही है, मैंने तो बहुत सुना है बचपन से, कि कोयल क्या करेगी, अपने जो एग्स ले करेगी वो क्रो के नेस्ट में, मतलब कौए के नेस्ट में, और वो कौआ जो है या क्रो जो है वो अपने अंडे समझ करके उसको पालेगा, उसके बच्चों को, क्योंकि बहुत ही स्लाइट डिफरेंस होता है कोयल और क्रो के एग्स में, मतलब लगभग सेम दिखते हैं, बहुत स्लाइट डिफरेंस होगा, बहुत कम डिफरेंस होता है दिखने में दोनों के अंडे में, और जो कौआ है वो कोयल के अंडे समझ करके पालता है, मतलब उसके कोयल के बच्चों को अपना समझ करिए, ठीक है। तो ये एक बात है जो सिंपल सी बात है और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बात। तो नेस्ट ऑफ कोयल एंड क्रो एग्स, कोयल एग्स आर स्लाइटली स्मॉलर, अच्छा थोड़े से छोटे होंगे जो कोयल के अंडे होंगे, लेकिन वो पहचान नहीं करेगा और उसको पालेगा मस्त तरीके से, ठीक है। तो थोड़ी सी आवाज बहुत अच्छी निकालती है कोयल, ठीक है। तो ये एक बात हुई, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा बर्ड्स के बारे में एक दो चीजें और समझेंगे, जो लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस की थी, उससे पहले एक और पॉइंट है, उससे पहले एक और पॉइंट आपका क्या है ये देख लेते हैं। हाँ बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, अब जो ये बर्ड्स है ना, जो ये पक्षी हैं, ये अपने घोंसले का यानी अपने नेस्ट का इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए, एग्स को ले किया, हैच किया, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही चिक्स उनके ग्रो होने लगते हैं वो अपने अंडों को, सॉरी अपने नेस्ट को, अपने घोंसले को छोड़ के निकल लेते हैं कहीं और। तो जो पक्षी है वो अपने नेस्ट का, अपने इसका घोंसले का इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे, अंडे देने के लिए, और अपने जैसे ही उनके जो चिक्स हैं, जो बच्चे हैं उनके, वो ग्रो होने लगेंगे, चूजे कह लो,
चूजे नहीं कहेंगे यार, हाँ मतलब जो उनके बच्चे हैं वो ग्रो होने लगेंगे, मैं फ्लो में बह जाती हूँ, कुछ भी कहती हूँ कई बार, ठीक है। तो वो जैसे ही ग्रो होने लगेंगे वो नेस्ट छोड़ देंगे अपना, जो बर्ड्स होते हैं। तो सिंपल बात है, ज्यादातर बर्ड्स अपने नेस्ट का, अपने घोंसले का इस्तेमाल अंडे देने के लिए करते हैं, और फिर जैसे ही वो ग्रो होने लगेंगे उनको छोड़ करके वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हुई। अब थोड़ी सी बात ध्यान में रखने वाली है, लास्ट क्लास में मैंने फ्लो में उल्टा बोल दिया था, जो बर्ड्स हैं इनकी जो आईज हैं, इनके कान नहीं दिखते, बस एक होल होल की तरह होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, है ना, छिद्र होते हैं छोटे से, जो दिखते नहीं है बट होते हैं उनके फीदर्स से ढके हुए। लेकिन जो इनकी आंखें हैं वो इनके हेड के दोनों तरफ होती हैं, यानी कि सर के दोनों तरफ होती हैं, इसलिए दोनों साइड का देख सकते हैं एक समय पे, ठीक है। मैंने इसका उल्टा बोल दिया था, दोनों साइड का देख सकते हैं एक एक समय पे, और जब ये एक 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 ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो क्या होगा कि उसका डिस्टेंस तक माप सकते हैं कि भाई कितनी दूर है ये चीज, जब दोनों आंखें इनकी एक 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 ऑब्जेक्ट पर फोकस करती हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनकी आंखों के बारे में कि इनकी जो आंखें हैं, इनकी जो प्यूपिल्स हैं, प्यूपिल्स हम बोलते हैं ना उसको, पुतली को, बर्ड्स की पुतली घूमती नहीं है, प्यूपिल्स नहीं घूमती इनकी, रोटेट नहीं कर सकती, इसलिए उनको पूरी गर्दन ऐसे घुमानी पड़ती है किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए, ठीक है। तो इनकी प्यूपिल्स घूमती नहीं है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी गर्दन घुमाते हैं कई जो बर्ड्स हैं, उसका रीजन ये है, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल हाँ, दोनों साइड देख सकते हैं, दोनों साइड देख सकते हैं, और जब ये सीधे देखते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकते हैं दोनों आंखों को, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नालामंदा, नलमदा जो भी कहेंगे आप इसको हिंदी में, नलमदा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, नलमदा आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश कहाँ है, अमरावती राजधानी है यहां पर, ठीक है। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, जरा कृपा करके आप कॉमेंट करेंगे, है ना, क्योंकि अभी जब से बाइफर्केशन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का, तब से स्टेटिस्टिक्स जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो जरूर देखें। हाँ, आंखें नहीं हिलती मतलब इनकी प्यूपल्स जो हैं वो नहीं हिलती, ठीक है बात। तो इनको पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, फोकस करने के लिए, ठीक बात। 28 और 9, बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत बढ़िया, हाँ सही है, देते रहो आंसर, देते रहो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गजब। 28 और 9, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं भाई, अब लद्दाख अलग यूटी बन गया, इसके अलावा JNK अलग यूटी बन गया, ठीक है, बस ये बेसिक बात हमें पता होनी चाहिए। दूसरा क्या चीजें पता हो, ये नीचे वाले स्टेट्स के बारे में या सेवन सिस्टर स्टेट्स के बारे में काफी पूछ लेगा, तो ये त्रिपुरा यहाँ है, मिजोरम और ये वेस्ट बंगाल के बीच में, ये आपको पता हो। इधर राजस्थान है, JNK है, फिर पंजाब है बीच में, फिर राजस्थान है, फिर गुजरात है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा, केरला आएगा, इधर तमिलनाडु है, है ना। ये बेसिकली आपको आइडिया हो कि कौन सी चीज है कहाँ, उत्तर प्रदेश है इधर, फिर दिल्ली आएगा ऊपर, ठीक। अब यहां पे पूछा हुआ है JNK से जरा सा नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, ठीक, इधर नेपाल हो गया। तो ये बेसिक आइडिया आपको लगना चाहिए, बार 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 देखते रहो, मैप को निकाल लो अपने पास, ये पता नहीं आपको यहां से दिख पा रहा होगा या नहीं, प्रिंटआउट ले लो, ये PDF मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, और प्रिंटआउट लेके इसका मैप का, और उसको देखो दो चार बार रोज सुबह शाम देखो, ये 3-4 नंबर बढ़वा देगा, आज भी काम आ रहा है और आगे भी काम आएगा किसी भी GK VK में भी, ठीक है। और मैप में इंटरेस्ट आता है अगर इंसान बैठ के देखे ना थोड़ा सा, तो मजा भी आता है मैप में, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक। ये इधर अरेबियन सी हो गया, फिर इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक। तो ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, और इनकी कैपिटल्स भी दी हुई हैं साथ में, तो हर एक स्टेट की कैपिटल भी आपको पता हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2000 लोगों को लाइक भी करना चाहिए, अगर देखने आते हैं आप लोग, एफर्ट को क्या करें, सराहना चाहिए किसी की भी मेहनत को, ठीक है। तो यहां तक की बात हुई, वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, हम लोग जल्दी ही 9 लाख होने वाले हैं और फिर 1 मिलियन की तरफ बढ़ेंगे, तो आप अपनी श्रद्धा से बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे क्या होगा, उससे हम शब्द नहीं है बट हाँ, सच में थैंक यू करने का मन करता है कई बार आप लोगों को, और आपका भी करता होगा क्योंकि एफर्ट्स मैं भी करती हूँ, तो इसी तरीके से चलती रहेंगी चीज़ें, कुछ बेहतर करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब पॉलिटिकल होने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, मतलब कई बार मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं डिस्कस करती हूँ कहीं, कुछ चीज़ें होती हैं कि मतलब मैं देखती हूँ यार लोग तो कितने पॉलिटिकल होकर के मतलब एजुकेशन को पॉलिटिक्स बनाया हुआ है, और देन आई फील कि मैं कितने पीस ऑफ माइंड के साथ रहती हूँ, मतलब इंसान सिंपल रहे, सच्चा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, तो उसको बहुत ज़्यादा फालतू के चक्करों में पड़ने
की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज तो लोग हमें भी मिले हैं और बहुत तरह के मिले हैं और बहुत तरह की कोशिशें भी की हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट कुछ हो नहीं पाया। और ये थोड़ा सा नेचर भी है कि साफ रहो और खुश रहो। खैर, तो वो सब डिफरेंट चीज़ें कभी बात करेंगे, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है शेयर करने के लिए आप लोगों को। लर्निंग्स हैं कुछ जो शायद सभी के काम आ सकती हैं, है ना। तो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम हुआ, और कोई और बात हो तो बताओ। हाँ बिल्कुल, मीटअप रखेंगे जल्दी 1 मिलियन पे, और फिर अलग अलग जगह भी रखेंगे, पहले तो जुलाई में करेंगे दिल्ली मीटअप। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सोनल, योर बुक इज अमेजिंग हिमांशु, धन्यवाद अनूप, अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, 1 मिनट रुको, कमेंट्स देखने दो। पंकज ठाकुर, जितने उस टाइम पे फ्री होंगे उतने ही देख पाएंगे ना एक्टिवली, फिर बाद में देखते हैं। ठीक, अब हाँ, कल किसका सेशन होगा, कल देखेंगे, कल का तो कल ही बता पाएंगे। हाँ चलिए, ध्यान रखिए, कल मिलते हैं, टेक केयर, 9 बजे मिलेंगे कल, 9:00 शाम को।